नमस्कार, आप देख रहे हैं पावर और जनाधिकार न्यूज। पल-पल की खबरों पर नजर, और इस वक्त मैं आपके साथ हूं ज्ञानू कुमार दीक्षित। सबसे बड़ी खबर, खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या घटना दुर्घटना की, बात चाहे भ्रष्टाचार की हो या फिर हो जनता से जुड़े मुद्दों की या हो कानून व्यवस्था की, अब बातें होंगी आपके शहर की, आपके जिले की हर खबर। उत्तर प्रदेश जनपद सीतापुर विकास खंड महमूदाबाद मजरे के शूनपुर में देखने को मिली प्रधान की दबंगई व भ्रष्टाचार लालच देकर दो लोगों का 63,550 रुपया गौशाला में लगवा कर दिखाया ठेंगा। सुभाष गुप्ता बिलासपुर कला विकास खंड रामपुर मथुरा जनपद सीतापुर। सुभाष गुप्ता को लालच देकर के गौशाला में लगवाया 2,03,550 पैसा। सुभाष ने पैसा ब्याज पर लेकर के इसके बाद गौशाला में लगवाया था। प्रधान के कहने पर इसके बाद सुभाष गंगोत्री चले गए और वहां के प्रधान भगुलाल व सेक्रेटरी राकेश कुमार सिंह वटिये राजेश कुमार ने वाउचर बदल कर दूसरे का वाउचर भरकर धोखाधड़ी से पैसा निकाल लिया। जब सुभाष गुप्ता प्रधान से पैसे के लिए कहते तो प्रधान उनको आजकल बताते हुए पैसा हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह एक और व्यक्ति जिसका नाम सुरेंद्र कुमार वर्मा ग्राम खरसठ मजरे करनापुर भी है, ग्राम पंचायत किशनपुर में गौशाला निर्माण में 60,000 प्रधान के द्वारा ही सुरेंद्र कुमार से लेकर गौशाला में लगवाया गया था, जिसमें से 6,000 सुभाष गुप्ता बिलासपुर और 54,000 लल्लू राम बेनीपुर को दिया। लल्लू राम व प्रधान की मिलीभगत से इन दोनों का पैसा हुआ हर्प। किशुनपुर देवरियापुर गौशाला निर्माण में लगा पैसा सुभाष गुप्ता का कुछ इस प्रकार है। 43,400 रुपए पाइप टीन सेट 800 व 100 व 16,000 टीन जवाई सोनेलाल को दिया। 11,000 भगु प्रधान को दिया। 500 लल्लू को दिया। 800 डीजल 100 भंवरी 400 भाड़ा 100 प्रधान 100 बिल्डिंग पत्ती के लिए दिया। 400 न्यू खुदाई 850 रामू मिस्त्री 3,000 अंबर मिस्त्री 800 लेबर 2,000 मिस्त्री 9,200 रुपए टीन पाइप 1,400 रुपए प्रधान को दिया। 2,000 बालू के लिए लल्लू को दिए। 3,000 लल्लू राम को दिया। 200 आंकुड़ा बोल्ट व फिर 600 बोल्ट आंकुड़ा 500 रुपया बोल्ट आंकुड़ा 100 रुपया बोल्ट 3,000 डीजल जेसीबी में डलवाया। 20,000 प्रधान भगुलाल का नूरपुर में दिया। 51,000 बिल्डिंग करवाई का दिया। 22,000 ओम प्रकाश को भूसा गोदाम बनवाई का दिया। 900 शिवराम मिस्त्री को दिया। 3,700 लेबरों को दिया। इतना रुपया लगवा कर प्रधान ने दिखाया ठेंगा, मैंने ब्याज पर पैसा लेकर लगाया था गौशाला में, अब दर दर भटकने को मजबूर। सुभाष गुप्ता व सुरेंद्र कुमार वर्मा यही नहीं, गौशाला में गोवंश के भी देखने को मिली हड्डियाँ। उसको देखने से यह महसूस हो रहा है कि यहाँ पर यदि उच्च अधिकारियों के द्वारा जांच की जाए तो दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा। इस ग्राम पंचायत के प्रधान के द्वारा बहुत ही भ्रष्ट कार्यशैली देखने को मिली। अब देखना ये है कि इन दोनों पीड़ितों का पैसा प्रधान भगुलाल से शासन प्रशासन दिला पाता है या नहीं। ज्ञान कुमार दीक्षित की रिपोर्ट सीतापुर। इस गौशाला का कुछ प्रकरण है जिसके बारे में हम उनसे जानना चाहेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुभाष चंद्र। आपका क्या प्रकरण है? हमारा प्रकरण है इसी गौशाले में लेबरों द्वारा काम करवाया गया था, उसी में हमारा पैसा हमको नहीं मिल पाया है। और ये गौशाला कहाँ पे है? ये गौशाला करनापुर ही है, ग्राम पंचायत किशनपुर। अच्छा, जनपद सीतापुर। पूरा प्रकरण क्या है बताइए। प्रकरण ये है, हमारा 2,00,000 रुपया लेबर में लगा है, बिल्डिंग कराई लेबर चार्ज में, वो हम गंगोत्री चले गए, इसके बाद प्रधान जी ने पेमेंट करवा लिए, अब हम 1.5 साल से दौड़ रहे हैं। प्रधान जी ने क्या आश्वासन दिया आपको? प्रधान ने यही आजकल कर रहे हैं कि आज दे देंगे, कल दे देंगे, 10 दिन बाद दे देंगे, 15 दिन बाद दे देंगे, यही कह रहे हैं। आपका कुल कितना हुआ था? हमारा 2,00,000 रुपया फंसा। 2,00,000 आपको कुछ मिला इसमें से? हाँ, 2,35,000 2,30,000 था, उसमें 27,000 मिल चुका है। 27,000 यानी कि 2,03,000 रुपये आपका बचा। ठीक, तो प्रधान जी से आपसे बात हुई? हाँ, बात हो रही है पर डे रोज। तो प्रधान जी क्या बता रहे हैं, पैसा देने के लिए ना देने के लिए? प्रधान जी यही कह रहे हैं, आज देंगे, कल देंगे, अब सिल आएगा तब देंगे, यही कह रहे हैं। प्रधान आपके कौन है? प्रधान हमारे कोई नहीं। प्रधान का नाम क्या है? प्रधान का नाम भगुलाल है। भगुलाल ग्राम पंचायत क्या पढ़ते हैं? किशनपुर। चलिए ठीक। अभी जो आपसे बात हुई थी कि आपका पैसा 2,03,000 रुपये 3,550 रुपये बना था, ठीक है,
और आप 60,000 रुपए का जिक्र कर रहे थे, वो किसका पैसा है? वो सुरेंद्र का पैसा है। सुरेंद्र कौन है? सुरेंद्र हरसठ के हैं। हरसठ के, ये किस चीज़ में दिए थे? ये भी उसी गौशाला में लगाने को दिए थे। अच्छा, तो इनको पैसा अभी इनका वापस नहीं हुआ? अभी नहीं वापस हुआ है। हाँ भैया, आपका क्या नाम है? जी हमारा नाम सुरेंद्र कुमार। आपका क्या प्रकरण है? हमारा पैसा इसी गौशाला में 60,000 रुपये लगा है। तो ये दो लोग काम करवा रहे थे। कौन कौन? लल्लू बेनीपुर के थे, सुभाष गुप्ता बिलासपुर। तो किस इनको कितना पैसा दिया था? सुभाष भैया को हमने 6,000 रुपये दिए अपने हाथ से, और कुछ पैसा हमारे घर से लाए थे 8,000 रुपये, दो लोग मिलके। कौन कौन? सुभाष और लल्लू। लल्लू, कुल कितना आपका पैसा हुआ? 60,000 रुपये। अच्छा, इसी गौशाले में ही है। अच्छा, आपने पैसे के लिए कहा? हाँ, पैसे के लिए मैंने कई बार कहा है। सब तो प्रधान जी बोले कि हमको दिए नहीं होते, जिसको दिए उससे मांगो। तो लल्लू भैया से मांगे, सुभाष भैया से मांगे। तो यानी कि आप दोनों का पैसा कितना हो रहा है? 260,000। 263,550 रुपये हो रहा है। चलिए, मूलधन है, बाकी मूलधन है पूरा। आप इतना पैसा कहाँ से लाए? हमने दो भैंसे बेची थी। दो भैंसे बेची थी और गेहूँ थोड़ा बहुत था वो भी बेचा था, और थोड़ा उधार ब्याज ला कर लगाया था। बताओ, ब्याज पे पैसा ला करके और इन्होंने लगाया, इनको ब्याज भी पड़ रहा है, और प्रधान जी इनके बारे में सोच नहीं, प्रधान जी आनाकानी कर रहे हैं, आज नहीं कल देंगे, कल नहीं परसों देंगे। हालांकि प्रधान की भ्रष्ट शैली देखने को मिली।